नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार की सियासत में गर्माहट काफ़ी ज़्यादा है और यही वजह है कि वहाँ पर नीतीश सरकार में जो है खलबली मची हुई है। तेजस्वी यादव जो बयान देते हैं उसके अनुकूल जो है वो यहाँ पर नीतीश कुमार बयान नहीं देते हुए नज़र आते हैं। नीतीश कुमार जो बयान देते हैं उससे इत्तेफाक रखते हुए तेजस्वी यादव नज़र नहीं आते हैं। अब आप समझिए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो ये जोड़ी है वो बीच बीच में खटपट खटपट की जो आवाज़ है वो दोनों के पास से आ रही है। इसी बीच में नीतीश कुमार ने जो है अपनी तरफ से बयान जारी किया था और उसके बाद जो है जस्ट थोड़ी ही देर बाद कह सकते हैं तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। देखिए, लगभग 118 जगह जो है यात्राएं निकाली गई, शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया, शांतिपूर्ण रहा। दो जगह जो है केवल घटना हुई और ये लगातार इसको लेकर के सरकार गंभीर है और जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था दंगा को भड़काने में उन सबको चिन्हित करके सैकड़ों के तादाद में पकड़ा जा रहा है और कठोर से कठोर जो है कार्रवाई जो है सरकार करेगी। सरकार रहे ना रहे, सद्भावना अमन चैन वो कायम रहेगा। और हम सब लोग देख रहे हैं कि बिहार को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया, उसमें असफलता ये लोग पाएँ तो अब जो है दंगा फसाद। जो पाक महीना है, एक पवित्र महीना चल रहा है, सब लोगों का त्यौहार चल रहा था, उसमें अशांति फैलाना, हिंसा फैलाना ये कतई हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बिहार है, बिहार पे जो लोग अगर बुरी नज़र से देखेगा बिहार को लोग उसको उल्टा से सीधा कर देंगे। कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग गुजरात से आए हैं बातें बना रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ जाना है वहीं दंगा हो रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। और उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि यही बिहार की धरती है जो गांधी जी को महात्मा गांधी बनाने का काम किया और ये धरती महात्मा बुद्ध की धरती है, वीर कुंवर सिंह जी की धरती है, सूफी संत मखदूम जी की धरती रही है, ये कर्पूरी जी की धरती है, लालू जी नीतीश जी की धरती है। कभी भी दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार हमेशा से अमन चैन को पसंद करता आया है। जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको सरकार तो कठोर दंड देगी लेकिन जनता भी नहीं बख्शेगी। अमित शाह जी बोले कि 2024 के बाद सरकार गिर जाएगी बिहार का लोकसभा। इन लोगों को अमन चैन से मतलब है, इन लोगों को इंसानियत से मतलब है, इन लोगों को है कि पूरे देश में कब्जा कर लेना है, हर जगह जो है भाजपा की सरकार को बना देना है। ऐसे नहीं तो वैसे, उल्टा नहीं तो सीधा, कानूनी नहीं तो गैर कानूनी, संवैधानिक नहीं तो असंवैधानिक। पैसे तेजस्वी यादव का ये बयान हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि आप ये समझ सके कि बिहार की सियासत में इस वक्त उठापटक तो चल रही है, साथ ही अंदरूनी तौर पर जो है कलह की स्थिति क्यों बढ़ती जा रही है। बहरहाल, तेजस्वी यादव के इस बयान को सुनने के बाद अब आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।